हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बनाएंगे बैंगन आलू टमाटर की झटपट बन जाने वाली टेस्टी मसालेदार सब्जी। और उसके लिए लिया हुआ है हमने बैंगन, लंबा वाला ये बैंगन है, 250 ग्राम बैंगन हमने लिया हुआ है। और बैंगन को हमने धो करके कट कर लिया है। तो बैंगन की सब्जी में हम डालने वाले हैं आलू। तो आप देख लीजिए, आलू, चार आलू हमने लिया हुआ है और दो टमाटर इसमें डालेंगे। इस सब्जी को झटपट बनाने के लिए हमें चाहिए कुकर। तो कुकर जो है वो हमारी गर्म हो चुकी है। अब अपना यहाँ पे कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हो डाल दीजिए और तेल थोड़ा गर्म हो जाने दीजिए। तेल गर्म हो गया, आधे छोटे चम्मच अपना मेथी दाना डाल दीजिए। और उसके बाद 2 से 3 पत्ता आप तेज पत्ता डाल दीजिए, 2 से 3 तेज पत्ता डाल दीजिए। अगर आप बैंगन की कोई सब्जी बना रहे हैं, तेज पत्ता और अदरक डाल के बहुत टेस्टी बनेगा। इसके बाद आलू डाल दीजिए। जब तेल में आपका अच्छे से तेज पत्ता घुल जाए तो डाल दीजिए आलू। और आलू को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, तुरंत डाल करके तेल में मिला करके आप डाल दीजिए बैंगन। बैंगन को डालने के बाद इसको भूजिएगा, क्योंकि बैंगन का टेस्ट थोड़ा कच्चापन आता है, चाहे आप कुकर में बनाए चाहे आप कढ़ाई बनाए। आधे से 1 मिनट तक बैंगन को जरूर से भूज लीजिए। तो बैंगन को भूजने के लिए हमने यहाँ पे मिला करके छोड़ दिया। अब हम मसाले तैयार कर लेते हैं। मसाले में 1 बड़ी चम्मच काले मिर्च डालिए, 1 बड़ी वाली काली इलायची, जीरा 1/2 बड़ी चम्मच, हाफ टेबल स्पून, धनिया 1 बड़ी चम्मच और 3 से 4 लौंग डाल दीजिए। मसाले को पीस लीजिए। मसाले पीस करके हमने पेस्ट बहुत टाइट तैयार किया हुआ है, आप देख सकते हैं। लिक्विड ज़्यादा नहीं है, टाइट मसाला है ये। डाल दीजिए मसाला। और मसाले डालने के बाद आधे से 1 मिनट तक इसको भूज लीजिए मसाले को बैंगन आलू के साथ। इसके बाद डालिए नमक स्वाद अनुसार, हल्दी 2 छोटी चम्मच और तीखा के लिए लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून ऐड करिएगा, क्योंकि मसाले हमने ज़्यादा लिए हुए थे पीसने के टाइम में, जिसमें गोल्ड मिर्च ज़्यादा था तो तीखा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप ज़्यादा लाल मिर्च नहीं डालिए। अब डाल दीजिए टमाटर। और टमाटर को डालने के बाद बस मिला लीजिए। आप नरम नहीं करना है, बस मिलाना है केवल, क्योंकि हमें कुकर बंद करनी है। अब डाल दीजिए आप पानी। तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है। तो इस छोटी सी कटोरी से 1 कटोरी हमने पानी डाला और थोड़ा सा पानी और ऐड कर लीजिए। यहाँ पे अपने देखने के अनुसार, अपने सब्जी आप देखिए उस अनुसार अपना पानी ऐड करिए, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं करना है। तो इसको हमने पानी डाल दिया है, मसाले को अच्छे से मिला दिया है। अब कुकर करेंगे बंद और कुकर को बंद करके गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम करके 1 सीटी लगाएंगे। सीटी खोल लीजिए। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा लिक्विड है तो थोड़ा सा पानी आप सुखा सकते हैं, नहीं तो गाढ़ा भी आप कर सकते हैं, और या फिर आप लिक्विड में छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए, हमने थोड़ी ग्रेवी वाली उतारी है। और ये देखिए, आपको बैंगन इसमें कहीं भी खड़ा नहीं दिखेगा और कहीं भी आपको बैंगन का टेस्ट नहीं आएगा, इतना अच्छा सा ये सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बना है। तो आपको पसंद आई ये सब्जी तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा।